Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पहले हमने ट्रेंड लाइन पढ़ी थी उसके बाद हम जो है दूसरा जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने ट्रेडिंग व्यू के डिफरेंट टूल्स देखे थे और उनके बारे में देखा था कि कौन सा टूल क्या करता है ओवरव्यू लिया था फिर मैंने आपको दूसरे लेक्चर में एंड में कहा था तीसरे लेक्चर में कि चौथे लेक्चर में जो है हम एक्सचेंजेस देखेंगे कि एक्सचेंज कैसे यूज़ करते हैं और हम क्रिप्टो कैसे ख़रीद सकते हैं कोई सी भी कॉइन कैसे ख़रीदना है पाकिस्तानी रुपीज़ देखिए क्या तरीका होता है और किस तरह से हम जो है फिर ट्रेडिंग कौन कौन सी टाइप से होती हैं ट्रेडिंग की ये सारा अब हम यहाँ से ले शुरू करेंगे तो पहले हमारे पास जो हैं वो एक्सचेंजेस यूज़ कैसे होती हैं बाइनेंस क्या है बिटकेट क्या है तो बाइनेंस एक, एक एक्सचेंज है मतलब एक्सचेंज हमें फराहम करती है कि आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं मतलब पेयर्स में कि यू को बिटकॉइन के साथ आप एक्सचेंज में मतलब यहाँ पे पेयर कर लें या फिर छोटे ऑयल्स कॉन होते हैं उनके साथ आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं तो ये आपको प्लेटफॉर्म एक फराहम करता है ऐसे ही बिटगेट है तो हम बाइलेंस पे देखेंगे पाकिस्तान में बाइलेंस ही है जो अभी अच्छा है और जो चल रहा है और रिलायबल है तो इसमें सबसे पहले हमने मैंने आपको बताया भी कि हमें देखना होगा कि हमें अस जो स्टार्ट करनी है अपनी ट्रेडिंग वो जो जाननी है हमें कि हमें ख़रीदना है कैसे क्रिप्टो करेंसी को और तो वो एक ही मेथड है इसमें अभी हम देखें पाकिस्तान में पी टू पी पीयर टू पीयर ट्रेडिंग कहते हैं इसको तो ये क्या होती है और किस तरह होती है बताएंगे फिर करके भी दिखाऊंगा मैं आपको उसमें पूरा इंटरफेस ले के लेके लैपटॉप में कि बैलेंस जब हम खोलेंगे तो किस तरह होगा पहले है क्या ये देख लेते हैं कि भाई पी टू पी ट्रेडिंग इज़ अ टू इंडिविजुअल्स ट्रेडिंग क्रिप्टो करेंसी डायरेक्टली विथ ईच अदर विदाउट अ अडल मैन और अ थर्ड पार्टी तो पी टू पी ट्रेडिंग एक दो इंडिविजुअल्स के दरमियान होती हैं जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं होती मीन्स के जैसे मैं चाहता हूँ ख़रीदना क्रिप्टो तो जो मैं सामने जो ट्रेडर होगा उससे मैं बात करूँगा और मैं ख़रीद लूँगा थर्ड पर्सन कोई इन्वॉल्व नहीं होगा जो मुझे बताए कि यार नहीं ये इतने का है उतने का है कोई नहीं होगा सो so, इट्स आगे क्या है इट्स बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज एज द गेट टू सेलेक्ट देयर प्रिफर्ड पेमेंट मेथड्स एंड प्राइस ऑन विच आर बोथ पार्टीज एग्री दिस टाइप ऑफ ट्रेडिंग ऑल्सो रेफर टू एज अ ओवर द काउंटर ओ टी सी ट्रेडिंग क्या अच्छा इसमें क्या होता है इट्स बेनिफिशियल टू बोथ पार्टीज एज दे गेट टू सेलेक्ट दियर अच्छा इसमें हमें एक फ़ायदा ही होगा कि जब हम मार्केट में जाएंगे तो उसमें हम डॉलर हमारे पास है अब एक जैसे एक यू एस डी टू सिक्सटी डॉलर्स का है तो हम जो ट्रेडर है उससे पहले ही बात कर लेंगे कि हमें टू सिक्सटी में ही चाहिए ये ना हो कि आगे आप पेमेंट बदल दें कि नहीं अब मार्केट में ज़्यादा प्राइस हो गए तो मैं टू सिक्सटी वन का दे रहा हूँ तो ये आपके लिए ईजी रहता है आप चैट पर उसको पहले ही कंफर्म कर देते हैं कि मुझे टू सिक्सटी में दस चाहिए या हंड्रेड डॉलर्स चाहिए तो उस हिसाब से आपके लिए तरीके बेनिफिशियल होता है कि दोनों पार्टीज एग्री होती हैं एंड देन आप ट्रेड कर सकते हैं अच्छा इस टाइप की ट्रेडिंग को हम जो है ऑल्सो हम रेफर करते हैं कि ओवर इसको कहेंगे कि ओवर द काउंटर ओ ट्रेडिंग भी कहते हैं ये भी टाइप्स होती हैं आगे आके बताएंगे तो पी टू पी बहुत ही सिंपल है इसमें सिंपली आप कोई सा भी आप बैंक अकाउंट हो आपका या इजी पैसा में हो आपके पास पैसे नया पे हो या फिर सादा पे कोई सा भी है वहाँ पे अगर पैसे होंगे तो आप बाइनेंस आपको पेमेंट मेथड ऑप्शन देते हैं जो बिटगेट पे नहीं होते वहाँ से बैंक ट्रांसफ़र होता है तो यहाँ पे आपको ये बहुत सारे ऑप्शन फ्राम करता है कि आप इससे क्रिप्टो करेंसी ख़रीद सकते हैं मतलब यू खरीद सकते हैं और फिर जब आप बी भी खरीद सकते हैं सारे तो अब पी टू पी हम जा के देखेंगे बाइनन्स का मैं भी आपको खोल के दिखाता हूँ वहाँ पे हम पूरा डिटेल में देखेंगे किस तरह खरीद सकते हैं और करते हैं तो चलते हैं ये, मैं मोबाइल पे नहीं मैंने लैपटॉप पे खोला है बट एक जैसा ही होता है थोड़ा सा फ़र्क होगा आपके पास मोबाइल में तो ये बाइनन्स खुल गई है यहाँ पे अब ये आप देखें सबसे पहला ऑप्शन ये रहा इस मैंने क्लिक किया है लेफ़्ट से इधर इधर यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं हमारे पास जिसमें से ये सारे काम के हैं बट अभी जो मेन है वो इनमें से कोई मैं आपको बताऊँगा इनमें से अभी हम कोई नहीं है अगला लिखा है बाय क्रिप्टो मतलब जो मैंने आपको बताया था पी टू पी ट्रेडिंग क्या होती है देखें यहाँ पे है बैंक डिपॉजिट है क्रेडिट कार्ड कैश बैलेंस एंड पी टू पी ट्रेडिंग तो हमारे जो है हमसे पी टू पी ट्रेडिंग ही ईजी होती है यहाँ पर तो ये गए हम पी टू पी ट्रेडिंग पर क्लिक किया अब यहाँ पर देखें लिखा हुआ आ रहा है दो चीज़ें एक तो ये है कि बाय करना कि हम ख़रीदेंगे कैसे अब यहाँ पे अगर ऊपर देखें तो ये ऑप्शन आ रहे हैं यू एस डी डी बी टी सी बी यू एस डी बी एन पी बी एन ये बाकी ऑल्ड्स कॉइन आ रहे हैं आपके पास तो इसका मतलब ये है कि हम किस पेयर में बाय चाहते हैं हम यू चाहते हैं या हम बिटकॉइन ख़रीदना चाहते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ दे के या फिर हम बी मतलब आ, ये बी में चाह रहे हैं दैन बी जो है बाइनेंस का कॉइन वो ख़रीदना चाहते हैं या इथीरियम ये सारे आपके पास ऑप्शन आप जो ख़रीदना चाहें मगर जो एक स्टेबल कॉइन होगा तो जो मैं आपको टिप्स दूंगा कि आप स्टेबल कॉइन ही ख़रीदें वो यू है क्योंकि वो स्टेबल रहता है अपने अगर मार्केट गिर भी जाती है तो यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो एक स्टेबल कॉइन रहता है तीतर यू एस कहते हैं इसको तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं बाय एंड ये सेल का बाय मतलब जब हम बाय करेंगे और जब हम प्रॉफिट हमें हो जाएगा तो हम यहाँ से सेल कर सकते हैं और अपने वापसी पाकिस्तानी रुपीज़ में ले सकते हैं तो बाय पे आते हैं वापसी फेड पेमेंट और रीजन लिखा हुआ है आपके पास तो अब अब यहाँ भी देख सकते हैं ट्रेडर्स के नाम लिखे हुए हैं सब कुछ अब यहाँ आपको पेमेंट ऑल पेमेंट पर पे क्लिक करेंगे ये यह देखें यहाँ पे ऑल पेमेंट इसमें आपके पास आ रहा है आपके पास किस तरह करेंगे आप देखें कितने ऑप्शन है बैंक ट्रांसफ़र है आप बैंक से चाहते हैं पेमेंट करना ट्रेडर को ईजी पैसा सिर्फ अगर किसी का ईजी पैसा बने तो ईजी पैसा से भी कर सकता है मेज़ान बैंक का ऑप्शन है फिर अब नया पे सादा पे ये सारे ऑप्शन आ रहे हैं आपके यू पैसा एलाइड बैंक ये सारे बैंक हो गए यहाँ पर कोई सा भी हो आप इसको अगर आपके पास यहाँ ऑल पेमेंट का आ रहा है मगर आप स्पेसिफिक जिसमें भी करना चाहिए उस पर क्लिक कर सकते हैं ऐसे मैं ईजी पैसा करता हूँ अब ये देखें दूसरा खुलेगा इंटरफेस मैंने क्या चाहिए मुझे यू चाहिए तो मैंने इस पर क्लिक किया पी डब्लू पे बाय यू और यहाँ हम आ गए पाकिस्तानी रुपीज़ में हमें चाहिए पी में ईजी पैसा कर दिया री रीजन हमारा ऑल है और यहाँ से हमने रिफ्रेश कर लिया ये रिफ्रेश हो गया अब यहाँ देखें यहाँ ट्रेडर्स के नाम आ रहे हैं अच्छा हमें सबसे पहले ख़रीदते वक्त ये देखना होता है कि ट्रेडर्स की परसेंटेज मतलब कंपाइलेशन रेट कितना अच्छा है कि वह कितने सक्सेसफुल रहे हैं कि और कितनी जल्दी ट्रांजैक्शन कर देते हैं अब यहाँ सबसे पहले नाम आ रहा है एवन ट्रेडर्स का ये देखें नाइनटी नाइन पॉइंट सेवन जीरो तो ये हमें रिलायबल है कि तीन सौ चार ऑर्डर कर चुके हैं इन पर क्लिक करेंगे और ये हमें लोएस्ट टू हाइस बता रहे हैं मतलब सबसे कम रेट पे ये दे रहे हैं हमें एक यू कितने पाकिस्तानी रुपीज़ में टू फिफ्टी फोर रुपीज़ में अब यहाँ देख सकते हैं अब लिखा इन्होंने तीस दिन में तीन सौ पाँच ट्रेड करी हैं जिसमें से इनका रेट जो है नाइन्टी नाइन पॉइंट सिक्स सेवन है मतलब हंड्रेड ऑलमोस्ट है और ये रिलीज़ टाइम मतलब होगा कि ये वन पॉइंट सेवन एट मतलब डेढ़ मिनट के अंदर आपको आपकी यू ट्रांसफ़र कर देते हैं रिलीज़ कर देते हैं आप पैसे इनको भेज देंगे तो एक मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा फिफ्टीन मिनट का टाइम होता है तो ये आपको भेज देंगे और पे टाइम मतलब आपको ये जब सेल करेंगे तो सेल का भी इनका तीन मिनट है एवरेज टाइम ये भी देखें यहाँ मैंने आपको कहा था ना प्राइस हम एक तय कर लेते तो ये टू फिफ्टी फ़ोर का दे रहे हैं एक्सैक्ट बाकी यहाँ पे इन्होंने लिमिट दी हुई है कि आप तीन हज़ार से पाँच हज़ार इनके पास अभी इस वक्त अवेलेबल हैं तो आप इसमें आप इनसेट मतलब एटी वन यू एस डी टी इन पास अभी अवेलेबल है और मिनिमम इनके आपके पास तीन हज़ार होने चाहिए आप मुझे मतलब इनको देंगे तीन हज़ार ईजी पैसा कर सकते हैं मतलब दो हज़ार पर नहीं होगा तीन हज़ार पर होगा तो यहाँ पे हम ये जाके बाई यू एस डी टी कर सकते हैं अब ये आपसे पूछेंगे आई वॉन्ट टू पे सब कुछ ये आप कर सकते हैं बहुत ईजी होता है ये अभी मैं करूँगा तो फिर ये ऑर्डर लग जाएगा और फिर वो आपको मैसेज करेगा तो यहाँ देखिए हंड्रेड परसेंट इनका पॉजिटिव फीडबैक है अब यहाँ दो तीन चीज़ें इनकी देख सकते हैं कि ईमेल वेरीफ़ाई हो एस एम एस पेटेक हो आई डी वेरीफ़िकेशन क्योंकि बाद में अगर कोई और एक काम आप ये कर सकते हैं जब ये अभी कर रहे हो तो आप एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लें ताकि अगर कहीं अगर आपके साथ धोखा हो तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग या बाइना को भेज सकते हैं हम तो यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसको तो ये एक सिंपली पी टू पी ट्रीडिंग का जब आप ये कर लेंगे पूरा प्रोसेस तो आपके पास फ़ौरन जब आप जैसी स्क्रीन शॉट भेजेंगे उस चैट पर आप बात करेंगे उससे तो वो आपको भेज देगा और जैसे ही भेजेगा तो आपके पास आराम से लिखा हुआ आएगा कि आपके पास यूजिलिटी आ गए और जो नाइन्टी हमेशा नाइन्टी फाइव से ऊपर वाले पे को तो देखा करें नाइन्टी फाइव नाइन्टी सिक्स नाइन्टी सेवन परसेंट जो है एट्टी परसेंट ये जो इनसे थोड़ा बच के आ गए होते वो भी सही है बट कुछ पता नहीं होता तो ये हो गया पी टू पी